ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साहेबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुरानी साहेबगंज कुम्हरटोली मोहल्ले से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जहां मंगलवार देर रात को 5 से 7 अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पर घर में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं जिनके घर में अपराधी घुसे हैं उनका नाम राजेंद्र पंडित बताया जा रहा है और अपराधियों के द्वारा 2 से 2.5 लाख तक के गहने और 40,000 रुपये नकद की लूटपाट की गई है। मामले में जानकारी देते हुए पीड़ित राजेंद्र पंडित के पुत्र भोला पंडित ने बताया कि 5 से 7 अपराधी देर रात घुसे थे, उसके बाद हथियार के बल पर उनके द्वारा जो है मुझे बांध दिया गया और फिर लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद वे लोग फरार हो गए। आगे क्या कुछ पीड़ित बता रहे हैं देखिए पूरा वीडियो। रात में 6-7 आदमी घुसा, पापा को पहले वो अपना अथी रिमांड में ले लिया, सामान सटा के उसके बाद वो गेट खुलवाया आगे वाला, उसके बाद मेरे पास आया, मेरा पास मोबाइल हाथे में था और मोबाइल छीन लिया, हमको बांध के रख दिया, फिर वो रूम में ले गया, मतलब ले जाके बैठा दिया, बैठा के तीनों को मम्मी को पापा को हमको हाथ बांध दिया, मुड़ी नीचे कर दिया, मुड़ी थाने में दे रहा था। अच्छा, वही दौरान वो लोग अपना जहाँ जहाँ था छीन छीन। और एक भगनी जो आपकी उसके साथ क्या कुछ हाथ बांधा या फिर? ना ना उसको नहीं कुछ। कितने लोग थे? बस सिर्फ उसको बोला साइलेंट रहिए, चिल्लाइए मत। कितने लोग थे? 6 जन। कितना क्या कुछ नुकसान हुआ? गहना था साथी में जो मिला था, गहना होना था और 40,000 रुपये नगद था। लगभग कितने का गहना होंगे? 2-2.5 लाख का। तो कब ये घटना, कितने बजे का? 1 से 1.5 बजे तक। अच्छा, कितने देर तक वो लोग रह करके इस तरह? आधा घंटा रहा। तो पुलिस को सूचना कब दी आपने? 5:30 बजे आसपास। पुलिस कितनी यूज़ करो? वही लमसम 20-25 मिनट में। तो अभी क्या कुछ आश्वासन मिला पुलिस? वो तो आप देख ही रहे हैं कि जांच वो चल रहा है। क्या लग रहा, किसी पर शक कहीं कुछ? नहीं, किसी से ना दुश्मनी है, ना किसी को लेना है, ना किसी को देना है। क्या नाम हुआ आपका? भोला पंडित।